आगे बढ़ते हैं। अगले सौदे भी खरीदारी के लिए ही होंगे, जैसे मैंने कहा कि रिटेल सेक्टर के स्टॉक्स तेज है, उसमें डीमार्ट को तो मत भूलिए क्योंकि ये स्टॉक अब नए लेवल्स पे पहुंच गया है। जब से लिस्ट हुआ है तब से अब तक बहुत स्ट्रांगली कमाई कराई है इसने विश्व की, लेकिन ये अब तक के उच्चतम स्तर पर है और ये तेजी अभी और बढ़ सकती है। जिस हिसाब से यहाँ पर ट्रेडिंग कर रहे हैं ट्रेडर्स, तो आप इस पर पॉजिटिव मोमेंटम के साथ ही अप्रोच कर सकते हैं। 970 का टारगेट होगा, 950 का एक स्टॉप लॉस आपको अपने ट्रेड पे रखना होगा। कल भी 4.5% के आसपास का मूव था। अब एक इंटरेस्टिंग स्टॉक है, वो है त्रिवेणी टर्बाइन। देखिए, आपको हो सकता है कि वक्त लगे इस पर्टिकुलर स्टॉक पे रिटर्न कमाने में, लेकिन ये स्टॉक लगातार टूटता स्टॉक है और जिस तरीके के पैटर्न्स बन रहे हैं हो सकता है यहां से पलटे। पोजिशनल तौर पर तो काफ़ी बेहतर रिटर्न आपको दे सकता है, लेकिन फिर बता दूं कि यहाँ पर एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ आपको ट्रेडिंग करनी होगी। 128.5 का एक स्टॉप लॉस अपने रडार पर रखें और 134 से 135 के टारगेट्स आज के लिए अप्रोच करें। उसके बाद अगर ये स्टॉक स्टेबल हो गया तो अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करते चलें और पोजिशनली भी काफी अट्रैक्टिव पिक हो सकती है, क्योंकि बहुत बीटन डाउन स्टॉक है और कल कुछ रिवर्सल के संकेत दिए स्टॉक। इंटरेस्टिंग स्टॉक की बात आपने करी तो मैं भी एक आपको इंटरेस्टिंग स्टॉक बताता हूँ, वो है एरोस इंटरनेशनल का। देखिए, ये स्टॉक अगर आप देखें तो गिरावट की चाल इस काउंटर ने बीते कुछ दिनों में दिखाई है। बहुत बड़ा सेलिंग प्रेशर था क्योंकि इनकी जो पेरेंट कंपनी थी वही इनफैक्ट इसमें हिस्सेदारी बेच रही थी। उन्होंने करीब 1.17 करोड़ शेयर इस कंपनी के बेचे हैं, लेकिन अब राहत की बात यह है, एक रिलीफ रैली की जो उम्मीद मैं कर रहा हूँ इस काउंटर में, वो इसलिए है कि जो सेलिंग प्रोसेस था, जो पूरी प्रक्रिया थी पेरेंट कंपनी की जो बिकवाली होनी थी, वो अब खत्म हो चुकी है, क्योंकि उनको जितने शेयर बेचने थे वो पूरा कर चुके हैं। उनके कुछ डेट को लेके कंसर्न्स थे, वो डेट पेयर ऑफ करना था, उस वजह से वो हिस्सेदारी बेच रहे थे। अब ये जो सेलिंग की प्रक्रिया है वो पूरी हो चुकी है। कल भी अगर आप देखें 2% के आसपास की गिरावट थी। अब यहाँ से अगर तेजी ना भी बने रजत, तो मुझे लगता है कि जो गिरावट है वो कहीं ना कहीं थमती हुई दिखेगी, क्योंकि जो सेलिंग प्रेशर था वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है। तो अब मुझे लगता है कि जो तेजी की चाल है वो इस काउंटर में देखने को मिल सकती है। आज एक 173 रुपये के आसपास का स्टॉप पर लगाए, मुझे लगता है कि 180 तक के जोन आसानी से देखने को मिल सकते हैं। अगर आपको 11 स्क्रीन पर दिखे, फर्दर गेंस के लिए भी अपना जो स्टॉप लॉस है उसे ट्रेल करते हुए सकते हैं। मुझे लगता है कि अपसाइड काफी स्ट्रॉन्ग इस काउंटर में देखने को मिल सकती है। दूसरा जो स्टॉक है वो है ज़ाइकॉम का। देखिए, आज जितने भी रेलवे से जुड़े हुए शेयर और खासतौर पे जो रेलवे सेफ्टी से जुड़े हुए शेयर हैं उनको लेके आज काफी ज्यादा जो मोमेंटम जो एक्शन है वो देखने को मिल सकता है। रजत ने ऑलरेडी आपको बताया भी ब्रेक से पहले कि सरकार अब काफी ज्यादा फोकस्ड है इस चीज पे और रेलवे इनफैक्ट बहुत ज्यादा खर्च अब सेफ्टी को लेकर करने जा रही है। जिस तरह से लगातार हम रेल एक्सीडेंट्स की खबरें सुनते हैं, उसके ऊपर अब लगाम लगाने की सरकार की कोशिश है और इसीलिए 1,00,000 करोड़ रुपये का एक जो सेफ्टी फंड है वो दरअसल बनाया जा रहा है। तो उसमें जितनी भी जो जुड़ी हुई कंपनी, जिसमें कनेक्स की बात कीजिए, ज़ाइकॉम की बात कीजिए, या तो फिर जो और कंपनीज हैं, इंदर रेक्टिफायर जैसी, उनमें आज हो सकता है काफ़ी ज़्यादा एक्शन देखने को मिले। ज़ाइकॉम में आज मुझे लगता है 20 रुपये के आसपास का स्टॉक लगा के अगर आप खरीदारी करें तो 21 तक के जो जोन्स हैं आसानी से आज देखने को मिल सकते हैं। चलिए, एग्री शेयर्स पे एक स्टॉक लेटर हाफ में तेज था, वो था GNFC। इसको अपने रडार पर रख सकते हैं, आज भी स्टॉक में तेजी देखने को मिल सकती है और स्ट्रॉन्ग रीबाउंड था कल लोअर लेवल से, जो 3% ऊपर ले गया स्टॉक को। वॉल्यूम्स के साथ ही पर्टिकुलर स्टॉक चलता हुआ नजर आया, बहुत काउंटर स्पेसिफिक अप्रोच इस बार एग्री क्षेत्र में देखने को मिल रही है। GNFC अगर आप खरीदते हैं तो यहाँ पर पॉजिटिव ट्रेड करने की सलाह, 278 से 279 तक के लक्ष्य के लिए आप उसको अप्रोच कर सकते हैं और 270 से 272 का एक स्टॉप लॉस रखना होगा। ट्रेड तब बनाए जब 275 के ऊपर जाकर स्टेबल करे। एक और इंटरेस्टिंग स्टॉक है, वो है एरिस लाइफ साइंसेज, और इसमें खबर का इंपैक्ट है जो स्टॉक को आज रूल करता हुआ नजर आएगा। देखिए, जो इन्वेस्टर यहाँ पर जो RBI है उसने FI निवेश सीमा जो है उसको बढ़ाने को मंजूरी दे दी है, 24% से बढ़ाकर 49% करने की मंजूरी दी गई है FII लिमिट को। एक पॉजिटिव ट्रिगर है जो एरिस लाइफ साइंसेज को आज रूल कर सकता है। इसमें आप 585 का एक स्टॉप लॉस लगाएं और 620 तक के टारगेट जो हैं वो देखने को मिल सकते हैं। कल 1.5% कमजोर था, आज एक स्ट्रॉन्ग रिबाउंड इस पर्टिकुलर स्टॉक में एक्सपेक्टेड। मुझे रजत ब्रोकिंग हाउस का नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन एरिस लाइफ साइंसेज एक ब्रोकिंग हाउस ने जो फार्मा सेक्टर पे उनकी रिपोर्ट थी उसमें कहा था कि एरिस लाइफ साइंसेज उनका टॉप पिक है। मुझे टारगेट प्राइस और ब्रोकिंग हाउस का नाम नहीं याद आ रहा, लेकिन अच्छा खासा ऊपर का टारगेट उन्होंने सजाया था। उन्होंने कहा था कि ये पूरे फार्मा सेक्टर में, पूरे स्पेस में उनका पसंदीदा स्टॉक है, इसलिए उन्होंने टॉपिक भी बताया था। तो उसका भी इंपैक्ट हो सकता है पॉजिटिव साइड पर देखने को मिले। लेकिन एक नेगेटिव साइड का आइडिया जो कि एकमात्र स्टॉक है आज मेरी लिस्ट में, वो है टाटा मोटर्स का। इसमें आप बिकवाली करके चल सकते हैं। देखिए, जो न्यूज़ फ्लो या तो फिर जो कमेंट्स आ रहे हैं उस कंपनी को लेकर काफ़ी नेगेटिव हैं और हो सकता है कि उसका जो इंपैक्ट है स्टॉक पे आज नेगेटिव साइड पे देखने को मिले। टाटा मोटर्स में मुझे लगता है कि जिस तरह से साइरस मिस्त्री की ओर से फिर से जो बयान निकल के सामने आए कि इसमें इस कंपनी ने अपनी जो लेंडिंग प्रैक्टिसेस हैं उसको सही से नहीं फॉलो किया है और नैनो से भी कंपनी को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है और नैनो के चलते ही करीब 4,000 करोड़ रुपये के आसपास के NPA इस कंपनी ने रिपोर्ट किए हैं। तो हो सकता है कि ये जो बयानबाजी हुई है टाटा मोटर्स को लेकर उसका एक जो नेगेटिव रिफ्लेक्शन है इस काउंटर पर देखने को मिले। स्टिक स्टॉप लॉस रखें, कल की जो क्लोजिंग है 373 के आसपास की है,
तो आप 376 के आसपास का सिक्स स्टॉप लॉस रखें ऊपर की ओर। मुझे लगता है कि 365 तक के जो जोन्स हैं वो नीचे की ओर देखने को मिल सकते हैं। जब आपको ये लेवल स्क्रीन पर दिखें तो अपना जो मुनाफा है अपने जो शॉर्ट पोजीशंस हैं उसको काटना भी ना भूलें। अगला जो शेयर है वो है UPL का। जैसे आपने रजत बजाज फाइनेंस की बात करी, जो निफ्टी में सेमी एनुअल इंडेक्स रिव्यू होने वाला है उसका जो ऐलान है वो शायद इसी हफ्ते होता हो दिखे। और अब जो एक्सपेक्टेशन है वो ये है कि दो बदलाव होते हुए दिखेंगे। पहले एक बदलाव का अनुमान था, अब हो सकता है कि बजाज फाइनेंस UPL दोनों आते हुए दिखें। पहले ACC के निकलने की बात थी, अब हो सकता है कि ACC और टाटा पावर दोनों निकल सकते हैं, ऐसे एडलवाइज की एक रिपोर्ट मेंशन कर रही है। तो अगर ऐसा होता है तो UPL के लिए हो सकता है कि बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर हो। 815 का टारगेट लेकर इसमें खरीदारी करें, 793 का स्टॉप लॉस जरूर लगा। चलिए तो ये 18 स्टॉक्स आपको बता दिए गए हैं, ज़्यादातर स्टॉक्स जो आज खरीदारी की साइड पर ही हैं, लेकिन आज के दो सुपर हिट शेयर्स कौन से ये भी देख लेते हैं। स्टॉक है JHS स्विंगगार्ड, जिसको आप अपने रडार पर रखें और तगड़ा स्विंग जो है वो स्टॉक पे देखने को मिल सकता है। देखिए यहाँ पर बहुत काउंटर स्पेसिफिक अप्रोच है स्मॉल कैप शेयरों में। आखिरी मिनटों में स्टॉक में काफी जोरदार उछाल देखने को मिला। 3 दिन की औसत डिलीवरी वॉल्यूम्स काफी ठीक ठाक देखने को मिल रहे हैं, जो 61% के आसपास के हैं। कल भी 2% के आसपास की तेजी JHS स्विंगगार्ड पे देखने को मिली। आज यहाँ पर फॉलो बाइंग के चांसेस जो है वो काफी स्ट्रांगली बढ़ जाते हैं और इस पर्टिकुलर सेक्टर में वैसे ही काफी ज्यादा खरीदारी आ रही है। पर्सनल केयर सेगमेंट पे ऑपरेट करते हैं कंपनी, डेंटल केयर सेगमेंट पे जो प्रोडक्ट्स बनाती है उसकी मांग काफी स्ट्रांग है। तो यहाँ से चला तो सीधा 72-70 तक के लक्ष्य जो है अप्रोच कर जाएगा, सर्किट लिमिट के बेहद पास के हैं। आप इसको अपने रडार पर रखें, 66 या फिर 66.5 का एक स्टॉप लॉस आपको अपने ट्रेड पे लगाना होगा और इस हफ्ते काफी स्ट्रांग आउट परफॉर्मेंस ये स्टॉक दिखा सकता है। तो JHS स्विंगगार्ड होगा सुपर हिट शेयर जो मैंने अपने पोर्टफोलियो में शामिल किया। इंटरेस्टिंग स्टॉक है रजत, बहुत कम बात होती है इस स्टॉक की और इनफैक्ट अगर मैं सही हूँ तो एक हाई बीटा नेचर है। जब भी इसमें मूव आता है, जो स्विंग आता है, दोनों साइड पर काफी स्ट्रांग देखने को मिलता है। और अगर पॉजिटिव खबरें हो या तो फिर सेंटीमेंट स्ट्रांग हो तो इसमें जो उछाल है वो भी या तो फिर जो गिरावट है वो काफी स्ट्रांग देखने को मिलती है। लेकिन एक स्टॉक जो मेरी लिस्ट में है सुपरहिट के तौर पे वो है गति का। देखिए अर्निंग सीजन अभी भी खत्म नहीं हुआ है, कुछ एक चुनिंदा कंपनी जिनके नंबर्स आ रहे हैं और कल बाजार बंद होने के बाद गति ने नंबर्स रिपोर्ट किए हैं। 5 करोड़ के मुकाबले 18.3 करोड़ का मुनाफा इस कंपनी ने दर्ज किया है, 3 गुना से ज्यादा की बढ़त मुनाफे में देखने को मिली है। तो वो हो सकता है कि आज स्टॉक के लिए फिलिप प्रोवाइड करता हो दिखे। इनकी अगर आप आए भी देखें 428 करोड़ से बढ़कर 453 करोड़ रुपए के आसपास पहुंची है और वैसे भी GST लागू होना इनके लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर माना जा रहा है। इस तिमाही के Q1 के नंबर्स तो काफी स्ट्रांग है ही है, लेकिन जिस तरह से GST लागू हुआ है उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन को लेकर जो हर्डल्स खत्म होंगी पूरे देश में, वन नेशन वन मार्केट बनता हुआ दिखेगा, वो पूरे लॉजिस्टिक स्पेस के लिए काफी बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है। तो अगर एक Q1 में GST लागू होने से पहले जो डी स्टॉकिंग का इंपैक्ट है इतने स्ट्रांग नंबर्स रिपोर्ट कर रहे हैं तो हो सकता है कि आने वाली तिमाही में जो नंबर्स हैं वो काफी स्ट्रांग देखने को मिलेंगे। इसी एंटीसिपेशन में लगता है कि आज जो बाइंग है वो काफी स्ट्रांग देखने को मिल सकती है। 115 के टारगेट मैंने आपको सुझाए हैं, हो सकता है कि 118-120 तक की जो चाल है वो भी देखने को मिले, लेकिन 106 रुपये का स्टॉप लॉस जरूर लगा के चले। नंबर्स बेहद स्ट्रांग है, आज हो सकता है कि जो आपको है काफी स्ट्रांग है। इम्पैक्ट कौन का रिकॉर्ड शेयर था डेरिवेटिव मार्केट में जो बहुत स्ट्रांगली एक्टिविटी दिखा रहा था, हो सकता है गति के पॉजिटिव रिजल्ट जो इम्पैक्ट करते हैं बाकी स्टॉक्स को भी। स्नोमैन पटेल इंटीग्रेटेड जैसे स्टॉक्स हैं वो भी रडार पर रहने चाहिए। तो पूरा लॉजिस्टिक स्पेस आज फोकस में हो सकता है कि फोकस में रहे। कॉनकॉर में ऑलरेडी मूव बन चुका है तो वहां पर हो सकता है खरीदारी। आपका फेवरेट स्टॉक भी है TCI ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इम्पैक्ट वो स्टॉक भी काफी स्ट्रांगली बस कर रहे हैं। लेकिन तमाम स्टॉक्स पे आप नजर रख सकते हैं, लॉजिस्टिक स्पेस हो सकता है कि एक्टिव हो जाए। लेकिन फटाफट से रीकैप देख लेते हैं, आपको 20 ट्रेड्स बता दिए गए हैं और तमाम मेरे पोर्टफोलियो में खरीदारी के सौदे हैं। शॉपर्स स्टॉप, इस पे 350 का लक्ष्य है, 340 का एक स्टॉप लॉस। KEC इंटरनेशनल, रेलवे से जुड़ी जो कंपनियां हैं वहां पर आप फोकस करें, 305 का एक टारगेट रहेगा, 295 का एक स्टॉप लॉस। एजुकेशन स्पेस तेज है, NIT लिमिटेड आज के लिए टारगेट है 96, स्टॉप लॉस 91 का फॉलो करना होगा। बतौर EPS शेयर मैंने आज महिंद्रा CIE को अपने पोर्टफोलियो में शामिल किया है। स्ट्रॉन्ग खरीदारी थी कि लेटर हाफ में 255 का टारगेट होगा, 240 का एक स्टॉप लॉस फॉलो करना होगा। और बजाज फाइनेंस हो सकता है निफ्टी का एक हिस्सा बने और इस हफ्ते अनाउंसमेंट आ जाए, 1725 का एक टारगेट रहेगा जो स्टॉक पे आप लगाकर चल सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक रहेगा त्रिवेणी टर्बाइन, जिसमें आप खरीदारी कर सकते हैं। DMart, वैसे मैं कह रहा हूँ रिटेल स्टॉक्स काफी स्ट्रांगली एक्टिविटी शो कर रहे हैं, 970 के टारगेट के लिए अप्रोच किया जा सकता है। DMart को नए लेवल से पहुंचा है ये स्टॉक। GNFC और एरिस लाइफ साइंसेज पे आप फोकस करें। एरिस लाइफ साइंसेज पे खबर ये है कि RBI ने लिमिट जो FI लिमिट उसको बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। आज के लिए टारगेट है 620, स्टॉप लॉस 585। और बतौर सुपर हिट शेयर मैंने शामिल किया है JHS स्विंगगार्ड को, आज के लिए टारगेट 72.7 का है, स्टॉप लॉस 66 का फॉलो करना होगा। मैंने शुरुआत करी थी आज नेस्ले के साथ, LIC ने अपना स्टेक बढ़ाया और उनका जो हिस्सा है बढ़कर 5% के पार पहुंच गया है। पॉजिटिव ट्रिगर हो सकता है, 6730 का टारगेट लेके इसमें खरीदारी करें। बजाज इलेक्ट्रिकल मैनेजमेंट की जो कमेंट्री आई है वो काफी पॉजिटिव आई है, आज हो सकता है 342 तक के जोन देखने को मिले। श्रेय इंफ्रा आज हाई बीटा नेचर का एक स्टॉक है तो संकेत अच्छे हो सकता है, अच्छा आप मूव देखने को मिले, 123 रुपये का टारगेट प्राइस होगा। बतौर EPS मैंने
फोर्टिस हेल्थकेयर को चुना है। कल बड़ी ब्लॉक डील हुई थी जिसमें रेखा राकेश जुनूनवाला ने 45 लाख शेयर इस कंपनी के अक्वायर करे हैं। गोल्डमन सैक्स ने भी एक कवरेज इनिशिएट करी है, बाय रेटिंग के साथ 190 रुपये का टारगेट प्राइस है। तो काफी अच्छी खबर है, जिस वजह से 155 तक के जोन आज देखने को मिल सकते हैं। मयूर यूनिकोटर्स कल नंबर्स आए थे, काफी अच्छा मोमेंटम था नंबर्स के बाद, आज भी स्ट्रांग रहा, तो 370 तक के जोन है वो देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा इरोस इंटरनेशनल पेरेंट कंपनी की जो सेलिंग प्रेशर था वो पूरी तरह से खत्म हो गया है, आज एक रिलीफ देखने को मिल सकता है। 180 रुपये का टारगेट लेकर खरीदारी करें। और रेलवे से जुड़ी जो सेफ्टी वाली कंपनियां हैं जाइकोम पे आप नजर रखे चलें, सरकार ने एक फंड बनाया बड़ा, 21 रुपये का टारगेट प्राइस लेकर इसमें खरीदारी कर सकते हैं। टाटा मोटर्स कुछ कमेंट्री जो आई है वो दरअसल निगेटिव है, हो सकता है आज गिरावट देखने को मिले, 365 का टारगेट प्राइस होगा। यूपीएल निफ्टी का हिस्सा बन सकता है, इसी हफ्ते अनाउंसमेंट आया तो पॉजिटिव होगा, इसके लिए 815 रुपये का टारगेट प्राइस होगा। और बतौर सुप्रीट गति को मैंने शामिल किया है, 3 गुना से ज्यादा मुनाफा बढ़ा है, आज मोमेंटम सस्टेन कर सकता है। पॉजिटिव साइड पे 115 का टारगेट प्राइस, 106 रुपये का स्टॉप लॉस।